मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से 500 मीटर दूरी पे आए थे, लेकिन उनको इतना समय नहीं था कि समाज में मुख्य धारा में जो तड़प रहा इंसान है, विकलांग समाज, वो उसकी सुध ले सके। महंगाई में दो रोटी खाने के लाले हो चुके हैं, कहाँ से परिवार का पालन पोषण हो, कहाँ से हमारा इलाज हो। नमस्कार दोस्तों, अभी हमें पानीपत एक पुल है इसके पास हम है, और यहाँ पर हमने देखा कि विकलांग लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी कुछ मांगे हैं, वो अपनी मांगे को सरकार से मांग रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, विकलांगों को बिजली और पानी के लिए कनेक्शन फ्री दिया जाए, विकलांगों को 2016 से एक्ट पूर्ण रूप से लागू करें, विकलांगों को DC रेट के बराबर मासिक पेंशन दी जाए, हमारी मांगे पूरी करो, विकलांगों का BPL कार्ड लागू करें, ये मांग उनकी है, क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं जो इनसे ही हम लोग सुनते हैं। नमस्कार, आज हम पानीपत से लाइव हुए हैं, मैं आजाद सिंह, प्रेस प्रवक्ता, विकलांग समिति हरियाणा। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक विकलांग समाज का केवल शोषण हुआ, सरकार कोई भी रही है, शोषण का हमें सामना करना पड़ा है। विकलांग एक्ट 1995 में बना था, आज तक सरकार ने विकलांग एक्ट को लागू नहीं किया, जिसको लेके बार बार हरियाणा सरकार के सामने विकलांग समाज धरने प्रदर्शन करता आया है। अभी भी हमारा जो धरना है वो आज चौथ सरकार के सामने रखे कि जो विकलांग एक्ट है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। हमारी सरकार से छोटी छोटी मांगे हैं, कुछ मांग मैं आपको बताना चाहूँ। हमारा 1995 से लेके और अभी तक दोबारा से कोई भर्ती नहीं हुई है जी, हमारा जो भर्ती प्रक्रिया है वो सारी पेंडिंग है और हमारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है। सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करे और 27 साल से पेंडिंग पड़ी जो भर्तियाँ हैं उन पर हमें रोज़गार दिया जाए। जो साथी उम्र निकल के जो रोज़गार नहीं कर सकते उनको सरकार कोई लोन प्रोवाइड करे ताकि वो रोज़गार के लेवल पे आ जाए और अपना गुजर बसर कर सके। इन्हीं छोटी छोटी मांगों को लेकर आज विकलांग समाज बैठा है। और आपको पता होगा कि जिस प्रकार भारत देश में जातीय समीकरण पे या आर्थिक समीकरण पर आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, विकलांगों का 4% आरक्षण होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। भारत सरकार से सभी साथियों से जो भी आज वीडियो देख रहे हैं सबसे अपील है कि आप विकलांग समाज को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस बात को मजबूती से पेश करें ताकि विकलांग समाज भी सम्मान को जिंदगी जी सके। लेकिन अभी तक कोई सोशल मीडिया आप लोगों के पास आई है, नेशनल मीडिया कोई आया? नहीं, नेशनल मीडिया से हमारी तरफ अभी तक कोई नहीं आया है। कोई पुलिस वाले आए पूछे आपसे क्या प्रशासन की तरफ से? हम 34 दिन हो गए बैठे हुए, हमने फरवरी में हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को लेटर लिखा कि खट्टर साहब हमारी जो मांगे चल रही हैं या तो आप उनको पूरा कर दें, हमारा एक्ट लागू कर दे, नहीं तो हम 1 अप्रैल से धरने पे जा रहे हैं। ये फरवरी की बातें हैं, 1 महीना हमने इंतजार किया, जब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो हमने 4 दिन पहले 1 अप्रैल से 4 दिन पहले हमने फरवरी के लास्ट में हमने DC साहब को ज्ञापन दिया, लिख के दिया कि DC साहब आप हमारी मांगों को धरातल पर लेके आएँ, आप हमारे विकलांग एक्ट को धरातल पर लेके आएँ, समाज के उत्थान के लिए काम करें। तो उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कारणवश हमें 1 तारीख को इकट्ठा होकर DC साहब के सामने पेश होना पड़ा। DC साहब को ये बातें बोली, DC साहब ने कहा जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने आपके लेटर को भी नहीं पढ़ा। जब दयनीय स्थिति ये हो गई तो हम क्या करें। यहाँ पे अभी श्री तेग बहादुर जी का जन्मदिन मनाया गया था और वो 24 तारीख को मनाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से 500 मीटर दूरी पे आए थे, लेकिन उनको इतना समय नहीं था कि समाज में मुख्य धारा में जो तड़प रहा इंसान है, विकलांग समाज, वो उसकी सुध ले सके। उन्होंने यहाँ पे आने तक की नहीं सोची। आज हमारी इतनी दयनीय स्थिति है कि घर के हालात बिगड़ चुके हैं, महंगाई में दो रोटी खाने के लाले हो चुके हैं, कहाँ से परिवार का पालन पोषण हो, कहाँ से हमारा इलाज हो, कहाँ से क्या करें, ये सब आप लोग सोचते होंगे, देख रहे हैं। आंधी तूफान में ही बैठ रहते हैं, हमारे सब गद्दे बुद्दे बारिश में भीग गए सारे, बिक्री बारिश में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि ग्रोवर है। रवि ग्रोवर, आपका नाम जी? आपका नाम? अच्छा, आप लोग का नाम सर? आजाद सिंह, प्रेस प्रवक्ता, विकलांग समिति हरियाणा। आप इनके लीडर हो ना? मैं प्रेस प्रवक्ता हूँ सर। अच्छा, मैं हरियाणा से प्रेस को मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार, जगविंदर कल्याण, सत्यवान। अजय गौतम, हरियाणा से एक मोर्चा। तो अभी और लोग यहाँ पे नहीं है, अभी आप इतना ही हो सर? बारिश का मौसम है, खाना खाने। अच्छा जी,
हम इन वीडियो को डालेंगे सोशल मीडिया, हम आशा करते हैं कि आपकी मांगे पूरी हो। हम तो नहीं करवा सकते लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये काम सरकार का ही है। इनके का सहारा भी बहुत होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो समय पे मिले तो बिल्कुल बिल्कुल। हम आभारी रहेंगे समाज के और आप लोगों के कि आपने इस दुख की घड़ी में हमारे दुख में हमारा हौसला बढ़ाया। जी जी, सरकार जो है ना तो लेडीज है लेकिन सुनती है, सुनेगी, यही उम्मीद है जी हमारी, यही उम्मीद है, यही उम्मीद लेके बैठे हैं कि अगर हम इस देश के वासी हैं, अगर हम वोट देते हैं तो सरकार हमारी सुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हमने ये अनिश्चितकालीन धरना देखी तो काफ़ी बुरा लगा यार भाई। बुरा लगता है जब किसी भी वर्ग को एक आंदोलन करना पड़ता है यार, बुरा लगता है भाई, सच में बहुत बुरा लगता है भाई। क्योंकि भाई आज़ाद देश में आंदोलन की क्या ज़रूरत है, यहाँ सब चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। जब ये देश आज़ाद है तो आज़ादी सबको मिलनी चाहिए, सबको हक मिलनी चाहिए, उसका उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए भाई। तो बुरा तब लगता है जब उनको उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये है भाई, हमारी आशा है कि इनका जो मांग है पूरा हो, हम यही चाहते हैं। बाकी भाई हम लोग बस वीडियोज बना के नेट पर डाल सकते हैं, उनकी हेल्प तो नहीं कर सकते हैं। मुझे इस सरकार से उम्मीद है कि इनकी आप आवाज़ ज़रूर सुने और इनकी हेल्प करें, क्योंकि आपसे ही उम्मीद लगा कर ये लोग बैठे हुए हैं। 1 अप्रैल से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अनिश्चित है, ये कब ख़त्म होगा पता नहीं, यानी कि जब सरकार इनकी मांग पूरी करेगी तभी ये लोग ये धरना ख़त्म करेंगे। तो कोई नहीं, मैं सरकार से आशा करता हूँ कि इनकी मांग आप पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।